जिसलिए मैं पैदा हुआ था, इस जीवन में आया था, वो मैंने किया। मैंने बहुत लोगों की मदद किया, मैंने बहुत लोगों का सेवा किया, मैंने बहुत लोगों की दवाइयों को बंद करवा दिया, मैंने बहुत लोगों की जिंदगी में पैसे आने का अवसर बना दिया, मैंने बहुत लोगों को आज से आगे बढ़ा दिया, मैंने बहुत लोगों की दुआएं कमाई है। ये अफसोस नहीं होगा, खुशी होगी आपको कि आपके पास जो समय है वो रोज का समय निकल रहा है, जा रहा है, बीत रहा है, आपके जीवन से एक एक दिन खत्म हो रहा है, एक एक दिन आपकी उम्र कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। आप एक एक दिन करके अपने समय को खत्म कर रहे हो। जब आपका डी एंड होने वाला होता है, एक समय आएगा आप सब कुछ देख तो पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, देखेंगे, हाँ बोला ना ऐसे, अरे देख सकते हैं, मुंह आवाज नहीं आएगी, सब खत्म हो जाएगा, ना हाथ चलेंगे ना जुबान चलेगी, सब गायब हो जाएगा। एक दिन ये कुदरत आपसे वो सारी चीज़ें छीन लेगी आपसे, जो आपको ये कुदरत भगवान ने खुदा ने आपको दिया है ना, एक दिन ये सब कुछ छीन लेगा, आपकी जवानी, आपकी ताकत, आपकी सुंदरता, आपकी आवाज़, आपका नॉलेज सब खींच लेगा एक दिन, और पता भी नहीं चलेगा कि कब वो छीन लिया हमसे। जब वो छीन लेगा तो अफसोस होगा, दुख होगा, काश मैं कर गया, जब मेरे शरीर में ताकत थी, जब मैं चिल्ला सकता था, मैं बोल सकता था। मैं जो देखता हूँ 45 साल के जो अंकल एज में आ जाते हैं, यानी एक लैंग्वेज है ना हमारा बुढ़ापा, तो जब बुढ़ापा में देखते 45 साल की उम्र में सर्दी, उसका हाथ नहीं चलता, आंखें नहीं दिखता है, तो 15 साल उसके बाद हम कैसे बिताएंगे? क्योंकि हमारे दादाजी जो थे वो 100 साल जिया करते थे, पापा 60 पे आए और हम, पापा 80 पे आए और हम 60 पे आ गए, हम इतनी तैयारी कर चुके 60 पे जाने के लिए, तो 45 साल के बाद हमारी आंखें नहीं काम करेगा, बॉडी नहीं काम करेगा, एनर्जी नहीं रहेगा, तो कैसे काम करेंगे, 15 साल कैसे बिताएंगे? साथियों आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है, बहुत अच्छा अभियान मिला है, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। 18-20 साल के बाद ही कोई शुरुआत करता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, ये आपके पूरे जीवन की कुंडली है। आपको कोई मान लो 20 साल का लड़का है जो लुधियाना, जब कोई व्यक्ति 18 साल का 20 साल का हो जाता है ना, तब उसको कोई भी काम को करने की परमिशन सरकार की तरफ से है, 18 साल से पहले कोई भी परमिशन नहीं है। अब मान लो यहाँ पे आपको 20 साल की उम्र हो गई, आप कोई भी काम को सीखेंगे तो सबसे पहले समय देना पड़ेगा, कोई भी काम को सीखेंगे तो सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, समय, टाइम। आज जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपने टाइम दिया, उसको आपने सीखा, तो आज आप कर रहे हैं। उसी तरह से RCM में या कोई भी काम में समय देना पड़ता। तो ये तो आपके बाजार का जो आप काम कर रहे हैं ना, उस फील्ड का ये मैंने फर्मा बनाया। तो जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले समय देते हैं, समय के साथ साथ में आपको पैसा थोड़ा सा आता है, बहुत थोड़ा सा। और जब किसी भी काम को शुरू करते हैं तो आप जीरो होते हैं, आप बिल्कुल जीरो होते हैं, क्योंकि हम गरीब थे, लुधियाना आए, गरीब थे, शहर में गए, अमीर होते क्यों जाते। तो जब हम कोई भी काम को शुरुआत करते हैं करने का, तो उसको सीखते हैं, और सीखने के दौरान पैसा कम मिलता है, सिर्फ खर्चा पानी जेब का मिलता है, बस इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर पहला साल आपने शुरुआत किया, समय कम लगा, पैसा कम मिला, समय पूरा, समय कितना, चाहे वहाँ का 8 घंटा हो, 10 घंटा हो, 12 घंटा हो, या फिर 14 घंटा, जो वहाँ का रूल है उस रूल के हिसाब से आपको वहाँ समय देना पड़ेगा, तब जा करके आप उस काम को सीख पाएंगे, और सीखने के दौरान पैसा नहीं मिलता। दूसरा साल आपकी उम्र हो गई 21 साल, आप समय पूरा देंगे और पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी आपकी, वैसे आपका पैसा बढ़ जाएगा। आज तक मैंने देखा है, आदमी चाहे दुबला पतला हो, आदमी चाहे मोटा ताजा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, कुछ भी हो, उसकी नॉलेज के ऊपर ही उसको पैसा दिया जाता है, उसके कारीगरी के ऊपर ही उसको पैसा दिया जाता है, उसकी जानकारी के ऊपर ही उसको पैसा दिया जाता है, ऐसा मैंने देखा है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। काला, गोरा, पतला, मोटा, अनपढ़, पढ़ा लिखा मायने नहीं रखता, आपने किस चीज़ को कितने जल्दी सीख लिया और उसको आपने कैसे काम कर रहे, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं, चीज़ आपने सिखाई गई और आप कितने जल्दी सीख करके काम कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप कितने जल्दी आगे जा पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता आपके जीवन में कि कम पढ़े, ज़्यादा पढ़े, काले गोरे, छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे पतले, कोई फर्क नहीं है। आप सीखते कितने अच्छे से हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, आपके अंदर खूबियाँ कौन सी है, आपके अंदर कलाकारी कौन कौन सी है, उसके आधार पर आपको पैसा दिया जाता है, उसके आधार पर आपको काम पर रखा जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर आपकी उम्र अगर इतनी हो गई 21, समय लगाए नॉलेज बढ़ा पैसा बढ़ गया, आपकी उम्र हो गई 22 साल, समय यहाँ पे लगाए पूरा जितना रोल था वहाँ का, यहाँ थोड़ा सा पैसा और आपका बढ़ गया, क्लियर। थोड़ी सी समय आपकी उम्र हो गई 23 साल, समय पूरा लगाए थोड़ा पैसा आपका और बढ़ गया। आप यहाँ 24 साल के हो, इस समय भी पूरा समय लगाते हो, थोड़ा पैसा और आपका बढ़ जाता है। आप 25 साल के हो गए, समय पूरा लगाए और पैसा पूरा बढ़ गया। यहाँ पे समझने की ज़रूरत क्या है, कोई भी इंसान
एक साल से लेकर पाँच साल तक किसी भी काम को करे, एक से पाँच साल, एक से पाँच साल किसी भी काम को लगातार करे, बार बार करे, रोज करे, कई बार करे, तो वो उस फील्ड का मास्टर हो जाता है। कोई भी काम हो आप लगातार पाँच साल कर लो, पाँच साल आप उस फील्ड के मास्टर यानी बापू बन जाओगे। फील्ड कोई भी हो, चाहे वो कटाई का हो, सिलाई का हो, बुनाई का हो, तुरपाई का हो, या हाथ कढ़ाई का हो, या फिर RCM हो, कुछ भी हो, अगर आपने ईमानदारी से, शिद्दत से पाँच साल अगर आपने कर लिया तो आप उसके मास्टर बापू बन जाते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बाजार का कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, जब आप सीखना शुरू करते हैं तो पैसा थोड़ी थोड़ी मिलता है, जेब खर्चा मिलता है, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपके उस फील्ड की जानकारियाँ बढ़ती है, वैसे वैसे आपके पैसे भी, आपकी तनख्वाह भी बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर आप 25 साल के आप हो गए तो आप यहाँ समय पूरा देंगे और पैसा पूरा मिलेगा। जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति है जो 10 साल से काम कर रहा है, मैं देता हूँ साल, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 14 साल हो गया, या इससे ज़्यादा मान लो उसको 20 साल हो गया, कोई भी आदमी है 20 साल हो गया उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में, किसी को भी 10 12 साल या 5 साल भी मैं लिख देता हूँ, चलो 5 साल हो गया, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल, कोई भी आदमी को हो गया और काम कर रहा है, आपको 5 साल में वहां तक पहुंचाना है। वहां तक अगर कोई आदमी यहां पर महीने का 20,000 रुपया कमा रहा है तो आप भी 5 साल में यहां पर 20,000 रुपया महीना कमा सकते हो, उससे ज़्यादा कमा सकते हो। यानी जिस फील्ड में आप काम सीख रहे हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड में अगर कोई आदमी 15 साल से भी काम कर रहा है और 15-20,000 रुपया कमा रहा है, उसी काम को आप 5 साल में सीख कर उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं कमा सकते हो। क्लियर, फटाफट रेडी, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आपकी उम्र हो गई 25, 25 के बाद क्या होगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा। मान लो राउंड फिगर आपकी उम्र होगी 30 साल, आप 30 साल में भी काम पूरा करेंगे और पैसा पूरा मिलेगा। आपकी उम्र हो जाती है 35 साल, आप काम पूरा करेंगे, पैसा पूरा मिलेगा। आपकी उम्र हो जाएगी 40 साल, काम पूरा करेंगे, पैसा पूरा मिलेगा। दोस्तों सोच करके देखिए, हर इंसान का तीन पड़ाव होता है, तीन पड़ाव जीवन का होता है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, तीन पड़ाव होता है। हम जीरो से लेकर, बचपन से लेकर 18-20 साल तक हमारा बचपना होता है, 18-20 साल से लेकर 40 साल तक जवानी होती है, 40 से बाद आगे हमारा 60 साल तक बुढ़ापा होता है। क्लियर, तो मतलब तीन पड़ाव आते हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। अब यहाँ पर देखने की जरूरत क्या है कि मान लो जवानी में आपने काम किया, खूब मेहनत किया, खूब पसीने बहाए, बहुत ज़्यादा आपने पैसे भी बनाए, लेकिन बचा ही नहीं। क्लियर, तो यहाँ पर आपका पड़ाव रहा। अब इस बीच में आपने कुछ पैसे कमा लिए, लेकिन जैसे आपकी उम्र 45 साल हुई, आपका समय यहाँ पर कम हो गया और पैसा भी कम हो गया। समझने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको दोस्तों, जैसे जैसे आपका शरीर का लेवल घटेगा, एनर्जी लेवल घटेगा, आपकी ताकत घटेगी, वैसे वैसे आपका पैसा भी कम होता चला जाएगा। यानी शरीर जैसे बूढ़ा होगा तो काम कम कर पाओगे, थकान जल्दी हो जाएगी, आंखें काम नहीं करेंगी, हाथ काम नहीं करेगा, शरीर काम कम करेगा और आपके पैसे कम होते चले जाएंगे, क्योंकि समय कम दोगे तो पैसा भी कम आएगा। क्लियर, तो जैसे आपकी उम्र यहाँ पर 50 साल हो जाती है, समय यहाँ और कम देंगे और पैसा आपका और कम हो जाएगा। यानी समय कम देंगे तो पैसा कम होता, जैसे आज के ज़माने में क्या है, आप ओवर टाइम लगाते हो तो पैसा ज़्यादा मिलता है, आप नाइट लगाते हो तो पैसा ज़्यादा मिलता है, मिलता ही नहीं मिलता, पक्का मिलता है। तो जब आप काम ज़्यादा करोगे तो पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन जब आप बुढ़ापे में चले जाओगे, एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाएगा, आपका ताकत शरीर का कम हो जाएगा, आंखों से कम दिखेगा, हाथ काम कम करेगा, तो आप काम कम कर पाओगे, जल्दी से जल्दी थक जाओगे, कम समय में थक जाओगे, तो जल्दी थक जाओगे तो काम कम कर पाओगे तो पैसा भी कम हो जाएगा। इस जीवन का पैटर्न है। उसके बाद आपकी उम्र हो जाती है मान लो 50 से 55, यहाँ समय और कम और पैसा और कम हो जाता है, आपका समय और कम, पैसा और कम हो जाता है। 60 साल की उम्र में समय यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और पैसा भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब सोचने का विषय क्या है दोस्तों, आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हमने काम सीखा, फिर बीच में पैसा कमाया, फिर हम जीरो चले गए। बात समझ रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे, एक बार धीरे धीरे ग्राफ बढ़ा आपका पैसे वाला, बढ़कर इस बीच में कमाए, लेकिन फिर धीरे धीरे डाउन होकर जीरो पे। यानी जब आप शुरुआत किए थे यहाँ पर तो आप क्या थे, जीरो। जब आप काम शुरू किए थे तो जीरो, क्योंकि आप गरीब थे, लुधियाना आए, गरीब थे, शहर गए, अमीर होते क्यों जाते कमाने, तो शुरुआत की आप जीरो थे। और जब आप बूढ़े हो गए तब आप क्या हो गए, जीरो, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं ना बुढ़ापे में, क्या जब शरीर नहीं काम करेगा, जिस भी काम को कर रहे हो वहाँ पे कौन सा ऐसा मालिक है जो आपको अपने पास रख करके आपको पैसा देगा, तनख्वाह देगा, कौन देगा बताइए, कोई नहीं देने वाला दोस्त। इसलिए आप जब शुरुआत किए थे तब भी आप जीरो थे,
आप जब लास्ट में आए खत्म हो गए, आपका एनर्जी खत्म हो गया, तब भी आप क्या हो गए, जीरो हो गए। ये आपके जीवन का पैटर्न इस तरह से चलेगा। आपके परदादा के साथ भी ऐसे हुआ, उन्होंने भी मेहनत किया, धीरे धीरे जवान हुए, मेहनत किए, कमाए, बचाए, फिर लास्ट में जीरो हो गए। जीरो हो गए तो फिर पापा ने शुरू किया, वो भी इसी तरह किए, वो भी लास्ट में जीरो हो गए। फिर हमने भी शुरू किया, हमारा भी यही पैटर्न काम कर रहा, इस तरह से लास्ट में हम भी जीरो हो जाएंगे, हमको भी कुछ नहीं आएगा, तो फिर हमारे बच्चे ऐसे शुरू करेंगे। ये आपके जीवन का पैटर्न है, क्लियर। तो इसको क्या करना है, ये जीरो ना हो। मान लो इस बीच में कोई आदमी कमा लेता है तो क्या करता है, अपना घर बनवा लेता है, अपने बच्चों की शादी कर लेता है, ठीक है। उसके बाद वो अपने कोई बाइक होती है, जो मोटरसाइकिल जिसको बोलते हैं, मोटरसाइकिल, कोई मोटरसाइकिल ले लेता है, बच्चों की पढ़ाई, शादी के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ पढ़ाई, पढ़ाई करवा देता है, यही सब काम कर पाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। मम्मी पापा आजकल के ज़्यादा कुछ नहीं, बच्चों का शादी कर देंगे, पढ़ाई करा देंगे, शादी कर देंगे, छोटा मोटा घर बनवा देते हैं, अपने लिए बाइक या बच्चों के लिए बाइक खरीद लेते हैं। उसके बाद वो जिंदगी भर कर्ज में दबे रहते हैं, जिंदगी भर तकलीफों में दबे रहते हैं, जिंदगी भर उनकी MI किस्त जाती रहती है, कभी न कभी किस्त किसी न किसी चीज़ की जाती रहती है, और वो उठ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और इस खूबसूरत दुनिया का आनंद नहीं ले पाते, कहीं जा भी नहीं पाते, क्यों, क्योंकि समय और पैसा दोनों कम है, कहीं भी घूमने का मन करता नहीं जा पाते, पैसा और समय दोनों कम है, इसी जाल में उलझ कर रह जाते हैं, लास्ट में एंड खत्म हो जाते हैं। तो आप बताओ, ये जाल से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? अगर निकलना चाहिए तो उस दिन जो हमने बताया था उस पर आपको काम करना पड़ेगा। वो जो पैटर्न हमने बताया था कि पहले साल में 10 आदमी को आप अगर लगाते हो तो आपका 1000 रुपया महीना आना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 10 महीना इंतजार नहीं करना, आपको 1 महीने में काम कर जाना, 1 महीने में ही 10 लोग की ID लगा देंगे, 1 महीने में 10 लोग की ID लगा दो, ताकि आपका दूसरे महीना से 1000 रुपया चालू हो जाए आना। आप साल का इंतजार क्यों करोगे? वो तो मैंने इसलिए बताया था ताकि कोई आदमी ना से ना भी करना चाहे ना, नाना नाना करके करे तब भी वो कर जाएगा, वो पैटर्न उसलिए बताया था। लेकिन अब स्पीड का ज़माना है, आजकल 5G चलता है, 2G का ज़माना खत्म हो गया, गायब हो गया, 4G भी गायब, अब 6G आ गया, 5G भी जा रहा है, क्लियर। तो आपको तेज़ी से काम करना, क्योंकि समय कम है। मैं अभी कल भी बोला था कि आपके पास जो समय है वो रोज का समय निकल रहा है, जा रहा है, बीत रहा है, आपके जीवन से एक एक दिन खत्म हो रहा है, एक एक दिन आपकी उम्र कम हो रही है, बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। आप एक एक दिन करके अपने समय को ख़त्म कर रहे हो, और ये समय दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। जॉनी लीवर की एक वीडियो है, वो इंटरव्यू में बोलता है, देखे होंगे आप, कहता है एक समय आता है आपके जीवन में जब आपका डी एंड होने वाला होता है, एक समय आएगा आप सब कुछ देख तो पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, देखेंगे बोला ना ऐसे ऐसे देख सकते हैं, मुँह आवाज़ नहीं आएगी, सब खत्म हो जाएगा, ना हाथ चलेंगे ना जुबान चलेगी, सब गायब हो जाएगा। एक दिन ये कुदरत आपसे वो सारी चीज़ें छीन लेगी आपसे, जो आपको ये कुदरत है, भगवान ने, खुदा ने आपको दिया है ना, एक दिन ये सब कुछ छीन लेगा, आपकी जवानी, आपकी ताकत, आपकी सुंदरता, आपकी आवाज़, आपका नॉलेज, सब खींच लेगा एक दिन वो, और पता भी नहीं चलेगा कि कब वो छीन लिया हमसे। जब वो छीन लेगा तो अफसोस होगा, दुख होगा, काश मैं कर गया, जब मेरे शरीर में ताकत थी, जब मैं चिल्ला सकता था, मैं बोल सकता था, मैं चिघल सकता था, तब मैंने इस काम को क्यों नहीं किया, आज प्रभु ने मुझसे ये सब कुछ छीन लिया है, अब मैं बोल भी नहीं सकता, दिमाग में वो सारी बातें तो घूम रही है, मेमोरी में, बोलना तो चाह रहा हूँ, कुछ कहना तो चाह रहा हूँ कि तुम लोग ये गलती मत करो जीवन में, जो मैंने गलतियाँ किया है तुम कर जाओ, कुछ कर लो अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, बोलना तो चाह रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा, क्या करोगे फिर क्या करोगे बताओ। ये वाला दिन ले आओगे जो आज सुन रहे हो मेरी बात को, कानों से सुनकर दिमाग में रिकॉर्डिंग चल रही, आंखों से देख रहे हो, ये वाला दिन क्या ले आ पाओगे दोबारा आप जीवन में अपने? संभव है? अभी ताकत है, जवानी है, हाथ काम करता है, दिमाग काम करता है, आंखें काम करती है, जुबान काम करता है, पैर काम करता है, शरीर काम करता है। इस समय नहीं लोगों को बताओगे, इस समय लोगों को फील्ड में जाओगे नहीं, इस समय लोगों की मदद नहीं कर पाओगे, इस समय मीटिंग में नहीं ले आ पाओगे, इस समय लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना पाओगे, इस समय दोस्ती नहीं बना पाओगे, इस समय इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे, तो बाद में क्या खाक करोगे? 10 साल बाद क्या करोगे? हो पाएगा? हमने देखा लोगों को आजकल फालिस मार देता है, जिसको हम लकवा बोलते हैं, एक हाथ ऐसे ऐसे हो जाएगा, क्या करोगे? बाई चांस किसी का हो जाए, मुंह टेढ़ा है, पूरा टेढ़ा हो जाए, मुँह टेढ़ा हो जाए, प्लान दिखा लोगे? फिर सुनेगा कोई प्लान आपको?
जो भगवान ने दिया है उसका भरपूर फायदा उठाओ, उसको सही यूज में ले आओ, नहीं तो वो छीन लेगा आपसे। इस बात को लिख लो, छीनेगा, पक्का छीन लेगा। आपकी खूबियाँ, आपकी सुंदरता, आपकी काबिलियत, आपकी नॉलेज, आपकी पढ़ाई, आपकी ताकत, आपका जुबान की आवाज़, सब छीन लेगा। एक दिन एक समय आएगा, कुछ नहीं रहेगा आपके पास में, खोखा बन के रह जाओगे और मिट्टी में चल जाओगे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे उसका, ऊपर वाले का। अभी कर लो, समय है, निकलो फील्ड में, बताओ लोगों से, मिलो उनसे, मीटिंग में ले आओ, सही जानकारी दो, सही रास्ता बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाला ना बोलेगा कोई बात नहीं, आपको मरते वक्त आपको अफसोस नहीं होगा, मैंने अपना काम अपनी ईमानदारी से नहीं किया, मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया, अफसोस नहीं होगा। आप अपने आप को गर्व फील कराओगे, ऐसे करोगे, ऐसे आवाज़ नहीं आएगी लेकिन ऐसे करोगे, मैंने पूरा किया, मैंने बताया जो मुझे था मिला, मैंने जो इस कर्म भूमि पे किया, मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो किया, जिसलिए मैं पैदा हुआ था, इस जीवन में आया था, वो मैंने किया। मैंने बहुत लोगों की मदद किया, मैंने बहुत लोगों का सेवा किया, मैंने बहुत लोगों की दवाइयों को बंद करवा दिया, मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी में पैसे आने का अवसर बना दिया, मैंने बहुत लोगों को आज से आगे बढ़ा दिया, मैंने बहुत लोगों की दुआएं कमाई है। ये अफसोस नहीं होगा, खुशी होगी आपको। परवेज आलम जी, वेलकम सर आपका। जी एस सर, नमस्कार। जय आर सी एम, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इनवाइट करने के लिए। और सुनिए तो सभी साथियों का बहुत तेजी से आज का जूम मीटिंग पे बहुत बहुत तेजी से धन्यवाद करता हूँ। और आज का मीटिंग जो है, जूम मीटिंग सुपर डुपर हिट रहा। और सर जी ने तीन जो बातें बताई, समय सबसे पहले आपका बिल्कुल सही बात है। और सर जी ने तो 60 साल तक हमको बता दिए, मैंने देखा है जो फील्ड में मैं भी जो सर के माध्यम से जहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ और जा रहा हूँ, और जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ यानी सिलाई का, वहाँ पे भी देख रहा हूँ इस चीज़ को। देखिए, आपके पास नजर है, नजरिया है, देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैं जो देखता हूँ, 45 साल के जो अंकल एज में आ जाते हैं, यानी एक लैंग्वेज है ना हमारा बुढ़ापा, तो जब बुढ़ापा में देखते 45 साल की उम्र में सर जी उसका हाथ नहीं चलता, आंखें नहीं दिखता है, तो 15 साल उसके बाद हम कैसे बिताएंगे? क्योंकि हमारे दादाजी जो थे वो 100 साल जिया करते थे, पापा 60 पे आए और हम, पापा 80 पे आए और हम 60 पे आ गए। हम इतनी तैयारी कर चुके 60 पे जाने के लिए, तो 45 साल के बाद हमारी आंखें नहीं काम करेगा, बॉडी नहीं काम करेगा, एनर्जी नहीं रहेगा, तो कैसे काम करवाए, 15 साल कैसे बिताएंगे? साथियों, आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है, बहुत अच्छा अभियान मिला है, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। और जो समझिए इसको, जो प्रसाद समझिए, सेवा समझिए, जो समझिए साथियों, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम लोग, और बहुत अच्छा आरसीएम अभियान है। आपका जीवन संवारेगा, सपने को पूरा कराएगा, फ्रीडम देगा, मनी फ्रीडम देगा, टाइम फ्रीडम देगा, बहुत सारे कुछ यहाँ पे मिलेगा। साथियों, जूम मीटिंग पे आना बहुत जरूरी है, जूम मीटिंग पे आते रहिए और यहाँ से हम लोग सीखते रहेंगे। हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमको आगे ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, ओवर टू यू।